हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखते हैं TPWS रेलवे में क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। फ्रेंड्स, रेलवे अपने सेफ्टी को लेकर काफ़ी अलर्ट और अटेंटिव रहती है, सो इसलिए रेलवे ऐसे एडवांस सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज़ करती है जिसमें से TPWS, जिसको हम ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम ऐसा कहते हैं। TPWS का मेन पर्पस ट्रेन को स्टॉप करना बाय ऑटोमेटिक इनिशिएटिंग ब्रेक होता है। अगर ट्रेन कोई भी सिग्नल विदाउट अथॉरिटी या फिर कोई भी बफर स्टॉप विदाउट परमिशन क्रॉस करती है या फिर परमिशेबल स्पीड से ज़्यादा फास्ट जा रही हो, तब TPWS एक्टिवेट हो जाता है और ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देता है। तो आइए जानते हैं TPWS सिस्टम कैसे वर्क करता है। TPWS लूप को सिग्नल से 50 to 450 मीटर पहले प्लेस किया जाता है। बेसिकली TPWS का कॉन्फ़िगरेशन टू पार्ट्स में होता है। एक पार्ट सिग्नल से पहले, जिसे हम ओवर स्पीड सेंसर यानी OSS ऐसा कहते हैं, और सेकेंड पार्ट सिग्नल के साइड में, जिसे हम TSS यानी ट्रेन स्टॉप सिस्टम ऐसा कहते हैं। अब अगर ट्रेन ओवर स्पीड है और वो जैसे ही OSS का अलार्मिंग लूप क्रॉस करता है, तब 64.25 Hz की फ्रीक्वेंसी लोकोमोटिव के नीचे लगा सेंसर रिसीव करता है और ट्रेन में अलार्म बजाना शुरू कर देता है। विदाउट स्पीड रिडक्शन ट्रेन कंटिन्यू चलता रहा और ट्रेन ट्रिगर लूप क्रॉस करता है, तब 65.25 Hz की फ्रीक्वेंसी सेंसर रिसीव करता है और ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर ट्रेन को परमिसेबल स्पीड पे ला देता है। अब अगर ट्रेन स्टॉप सिग्नल की तरफ विदाउट स्पीड रिडक्शन बढ़ रही है और अगर सिग्नल के बाजू में लगा TWSS का TS पेयर का अलार्मिंग लूप क्रॉस करती है, तब 66.25 Hz की फ्रीक्वेंसी सेंसर रिसीव करता है और वार्निंग अलार्म बजाना शुरू कर देता है और ट्रिगर लूप को क्रॉस करते ही 65.25 Hz की फ्रीक्वेंसी सेंसर रिसीव करता है और ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। ये सिस्टम हाई स्पीड ट्रेन लाइक गतिमान एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि 150 टू 160 किलोमीटर पर आर के स्पीड से चलती है, और अगर इसका कंट्रोल लोको पायलट से नहीं भी हो पाया, फिर भी TPW सिस्टम की वजह से ट्रेन ऑटोमेटिकली आसानी से रुक जाएगी।